अच्छा सर, पुष्कर में पिछले 5 साल में कैसा क्या विकास देखते हैं आप? जैसा विकास हो रहा है वैसा चल ही रहा है, और अच्छे ढंग से तो विकास नहीं हो पाया। मोदी जी अजमेर आए थे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो हम तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ही, हमने स्वयं जाकर वहाँ पे उन सभी बड़े बड़े लीडरों से बात की थी। नमस्कार दोस्तों, आगाज की आवाज़ टीम आज पहुंची है पुष्कर, और हम पुष्कर की राजनीतिक सरगर्मी को भी छूने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपको पुष्कर की एक रूटीन लाइफ की झलक दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का केंद्र यह शहर पुष्कर अपने दिन भर में गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाता है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं तीर्थराज पुष्कर से। राजनीतिक माहौल यहाँ पे कैसा क्या है पुष्कर में? राजनीतिक माहौल तो ठीक है, और पुष्कर तो बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी की निकलने की संभावना ज़्यादा है। टिकट किसको मिल रहा है? टिकट तो सुरेश रावत को मिल सकता है दोबारा, मतलब क्योंकि सरकार नहीं थी और विधायक रहे हैं तो टिकट कटना मुश्किल है। बात वो भी नहीं है कि भाई टिकट इनका किस बात से काटेंगे, क्योंकि ये दो दो बार जीते हुए हैं और नगर में विकास करा ही रहा है, और किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने आज तक भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, ऐसा आदमी है। अच्छा, और कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से दो प्रबल दावेदार हैं, एक तो नसीम अख्तर और एक बायती। अगर सचिन गुटकी चली तो नसीम अख्तर टिकट लेके आएगी, और अगर गहलोत गुटकी चली तो बायती की टिकट लेके आएगी। अच्छा सर, पुष्कर में पिछले 5 साल में कैसा क्या विकास देखते हैं? जैसा विकास हो रहा है वैसा चल ही रहा है, और अच्छे ढंग से तो विकास नहीं हो पाया। जिस गति से विकास होना चाहिए वैसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर एक मेन विकास हो चाहे मत हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो पुष्कर में जो गंदे पानी जाता है सरोवर के अंदर, अगर उसी की समस्या अगर हल हो जाती है तो वो पुष्कर का विकास है। अभी उसका कोई समाधान नहीं है? अभी उसका अभी तक तो समाधान नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये पाइपलाइन डाल रहे हैं जिससे कह रहे हैं कि भाई ये गंदा पानी सरोवर में नहीं जाएगा। ये धर्मेंद्र राठौड़ बोल के हुए थे, कोई गहलोत गुट के मंत्री हैं, तो उन्होंने जरूर ये कोशिश की है, परंतु मुझे नहीं लगता कि समाधान हो पाएगा। अच्छा, नगरपालिका क्षेत्र जो पुष्कर है उसका कामकाज जो नगरपालिका के अधीन चल रहा है उसमें कितना क्या कैसे अंक देंगे? नगरपालिका का काम तो बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। जैसे नगरपालिका के अंदर क्या है, साफ सफाई है और लाइटिंग व्यवस्था वगैरह है, यह सब सुचारू रूप से चल रहा है। एक बार आपका शुभ नाम बता दीजिए। नरेंद्र पाठक। नरेंद्र जी पाठक साहब से अभी हमने बात करी है, ऐसे ही हम ग्राउंड पे अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहें आगाज के साथ। खाना खाने वाले
हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी, एक बार अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम संजय पंडित है, तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट पुष्कर का एक साधारण सा सदस्य और एक ब्राह्मण। तो सर, अभी जो पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो उनको धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, उनपे काफी मतलब उनका रिनोवेशन एक तरीके से हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो कैसा ऐसा कुछ आपको पुष्कर में भी प्रदर्शित हुआ है कुछ? देखिए सर, हम यहाँ से हमारे जो पाराशर परिवार, ब्राह्मण परिवार और पुष्कर के नगर निवासी की जो अधिकतम बरसों पुरानी बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन उन पीड़ाओं को सुनते तो सब हैं, लेकिन उनका निवारण आज तक भी नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? निवारण नहीं हुआ। चाहे दोनों पक्ष हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन इस तीर्थ के विकास के लिए, इस तीर्थ के सौंदर्यकरण के लिए, इस तीर्थ की मर्यादा के लिए, इस तीर्थ की स्वच्छता के लिए कोई भी कुछ कार्य नहीं करता है। ये जमीनी हकीकत है। क्या है ये जमीनी हकीकत? है ये विकास की बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा विशेष काम है जो यहाँ पे तुरंत प्रभाव से होना चाहिए? देखिए, हमारे पुष्कर के लोगों की बहुत बड़ी पुरानी पीड़ा है, जो बरसों पुरानी पूरा है। बरसात जब आती है, बरसात में जो बरसात का जो पानी आता है, वह पूरा पानी, गंदा पानी यहाँ पे सरोवर में आता है। बरसात के पानी के द्वारा, नगर निकासियों के द्वारा पूरा गंदा पानी पुष्कर सरोवर से आता है, जिससे लोगों की भावनाएं बहुत दुखती है, उनका जीव दुखता है, उनकी भावना हार्ड होती है कि यार कोई तो ऐसा भागीरथ आएगा जो अपने बारे में न सोच के इस तीर्थ के जीर्णोद्वार के बारे में, इस तीर्थ की पवित्रता के बारे में, जो कि भगवान ब्रह्मा जी की जन्म स्थली है, जहाँ पे लोग ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए आते हैं पुष्कर सरोवर, उसका सौंदर्य विकास कर। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी मोदी जी अजमेर आए थे 3 महीने पहले 4 महीने पहले, तो हम तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ही, हमने स्वयं जाकर वहाँ पे उन सभी बड़े बड़े लीडरों से बात की थी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके पश्चात जो मोदी जी के कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, हमने, मैं स्वयं उसमें था, हमने उनको पुष्कर आने का प्रयास करवाया। मोदी जी पुष्कर आए, लेकिन वह मंदिर के दर्शन करने के बाद में वापस पुनः सरोवर में ना आके लौट गए। हम तो यही चाहते हैं कि आपका, हमारा जो तीर्थ जो सतयुग में था, जो जम्बूद्वीप बोलते हैं इसको, जो सतयुग में था, सतयुगम केवलम पुष्करम, सृष्टि में 4 युग हुए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुगम केवलम पुष्करम। सतयुग में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, सृष्टि का निर्माण किया, द्वापर में श्री राम भगवान स्वयं यहाँ पे पधारे। जब वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वनवास के समय माता सीता लक्ष्मण के साथ स्वयं राम भगवान यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पे पिंडदान किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जो परम शक्ति है, जो भगवान का स्थान है, वो ये ब्रह्म सरोवर, पुष्कर सरोवर है, तो इसका विकास जरूरी है, न कि हमारा विकास जरूरी है। हम तो एक मतलब मास की पिंड है, आज आए हैं कल नहीं है, लेकिन ये पितृत्व है, रहेगा। इस तीर्थ की सर्वांग सुंदरता ही हमारा सपना है, और वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? वो कहते ना, मारवाड़ में 2.5 अक्षर वेश बराबर, बातें सब करते हैं, जमीन पे आके कोई काम नहीं करता है। आप समझो, हमारी हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, मेरी अकेले की नहीं है, पूरे पुष्कर निवासियों की पीड़ा है, नगर निवासियों की पीड़ा है। कोई भागीरथ तो ऐसा है जो अपने बारे में न सोच के इस तीर्थ के बारे में सोच। सही बात। अब तक पिछले आप जितने समय से यहाँ पे सक्रिय हैं, आपके देखे कौन सा सबसे मुख्य विकास कार्य इस घाट को लेकर? देखिए, घाट नहीं है ये, पूरा 52 घाट है। हमारी सबसे सरू से एक ही समस्या है, सीवरेज समस्या। सीवरेज का गंदा पानी पुष्कर सरोवर में निरंतर हर वर्ष प्रतिवर्ष आता है। फिर आंदोलन होते हैं, आंदोलन में फिर, लेकिन समय बीता जाता है, जो नेता लोग आते हैं फिर वो भी ब्राह्मणों को, तीर्थ को भूल जाते हैं। कुछ भी नहीं हो आज। तो जैसा आपने देखा कि जो मुख्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोगों का भी विचार है कि वास्तविक विकास धरातल पर आए, और बता रहे हैं कि
विकास जैसे सीवरेज जैसा एक इशू है उसका निस्तारण अब तक नहीं हो पा रहा है। आगाज की आवाज़ का यह दौरा पुष्कर को लेकर के निरंतर जारी रहेगा। यहाँ के अपडेट्स हम आपको हर तरीके देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।